हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। आप लोगों का ही चैनल है ये, और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो यूपी ट्रिपल एससी का लोअर का एग्ज़ाम हुआ है 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। आज एग्ज़ाम फाइनल हुआ है, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, 4 पालियों में एग्ज़ाम हुआ है। 30 सितंबर को 2 एग्ज़ाम हुए हैं, 1 सुबह और 1 शाम को। इसी तरह 1 अक्टूबर को भी 2 एग्ज़ाम हुए हैं, और इतने बड़े पैमाने पर 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने का भी रीज़न है, तो आगे बात करेंगे उसके बाद में। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि ऑल कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, चारों पेपर के एनालिसिस के बाद मैंने ये बनाया है। और बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं, सिर्फ पेपर ही एनालिसिस नहीं किया, कितने हमारे पास वैकेंसीज हैं, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं, कितने अपीयर हुए, अप्लाई हुए, नेगेटिव मार्किंग, इन सबको ध्यान रखते हुए और ये कट ऑफ तैयार की गई है। और जनरल एससी एसटी ओबीसी गर्ल्स सबके लिए, सबके बारे में मैं बात करूंगी इस पूरे वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है इस कट ऑफ को डिसाइड करने का। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो हमने चूज़ किया है कि ये जो क्वेश्चन थे उसका लेवल क्या था, प्रश्नों का स्तर क्या था। तो जो इजी क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे, काफ़ी इजी पेपर आया है, क्योंकि पहले ये यूपी पीसीएस कराती थी और आप यूपी ट्रिपल एससी करा रही है, तो वो थोड़ा सा इजी ग्रेजुएशन के लेवल का ही क्वेश्चन पूछ रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। तो हम बात करें तो आसान क्वेश्चन 80 से 85 क्वेश्चन थे। अगर हम नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें, सामान्य क्वेश्चनों की, तो वो 40 to 45 थे। और जो कठिन थे वो ज़्यादा नहीं थे, 20 से 25, मैं तो 20 ही कहूँगी, 15 ही कहूँगी, कठिन क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, अगर जिसने रेगुलर स्टडी की है। अब जो एक हफ्ता पहले किताब लेके बैठा है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली पेपर कठिन ही होगा, बट जिसने अगर तैयारी की है और वो एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए पेपर थोड़ा ठीक ठाक ही था। नेक्स्ट हम इस पर सेकेंड क्राइटेरियो की बात करें तो जितने कितने अभ्यर्थी यहाँ उपस्थित थे कैंडिडेट, तो टोटल 11.25 लाख इतने अभ्यर्थी उपस्थित थे। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा हो सकता है, बट जो एक डाटा दिया गया है एग्ज़ाम्स न्यूज़पेपर्स में, तो वो डाटा मैंने यहाँ बताया, लगभग 11.5 लाख लोगों, 11.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। इसके भरने की मैं बात कर रही हूँ, बट ओनली 50% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। मैं एक सेंटर की बात बताती हूँ जहाँ मेरे एक एस्पिरेंट ने, कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ टोटल 22 कैंडिडेट थे और 26 कैंडिडेट एब्सेंट थे। तो यहाँ 50% से भी कम का हो जा रहा है क्राइटेरिया, बट हर जगह ये स्थिति नहीं थी, बट 50% से कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, और 50% नहीं दिया, मतलब 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, बट एग्ज़ाम बहुत कम लोगों ने दिया हुआ है। एक तो दिल्ली वालों को है जो काफ़ी दूर दूर सेंटर भी भेज दिए गए हैं, इस वजह से भी लोग पहुँच नहीं पाए हैं। थर्ड इसमें क्राइटेरिया हमने चूज़ किया है कि पैटर्न क्या था। तो इस बार आप लोगों को पता है नेगेटिव मार्किंग आ गई है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 सही क्वेश्चन का आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/4 मार्क्स नेगेटिव। इसके कारण भी इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम दे रहेंगे उनको आइडिया नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं नहीं करने, और अगर कन्फ्यूज़न में ये मार्क्स कट सकते हैं। और टोटल 150 क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं इसमें, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल 672 वैकेंसीज हैं, और फॉर्म भरे थे 11 लाख लोगों ने, लगभग आप अगर अनुमान लगाएं तो 5 से 6 लाख लोगों ने तो एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो उसमें इतनी ही वैकेंसी है, और इसका 20 गुना वो लोग लेंगे मेंस के लिए। तो इसका 20 गुना लेने का मतलब है कि यहाँ करीब 12 से 15 हज़ार लोग ही लेंगे ये लोग अपने आगे के मेंस के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन यहाँ होने वाला है। तो ये सब हमारा क्राइटेरिया है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के फीडबैक लेने के बाद मैंने ये थोड़ा सा कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया है कि ये कट ऑफ जा सकती है। आप लोगों को अगर कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें। तो ये देखिए, हमने जो कट ऑफ बनाई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं मार्क्स की बात करूँगी और यहाँ मैं क्वेश्चंस की बात करूँगी, 2018 नहीं 19 आएगा यहाँ पर, कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है 19 की। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 100 से 105 जा सकती है, मैं कम नहीं बोलूँगी, ज़्यादा ही जाएगी, 100 से 105 तक जा सकती है। यहाँ मैंने -5 भी किया, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 100 से 105 ही जाएगी, क्योंकि पेपर बिल्कुल भी अगर कहें जाए तो हार्ड नहीं, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है, तो हाँ मैथ्स और साइंस के जो बच्चे होंगे काफ़ी होंगे,
और जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है उनकी ऑब्वियस रीजनिंग स्ट्रांग होती ही है, ये चीज़ आप मान के चलो। तो क्या 10-15 हज़ार लोगों की इतने अच्छे नहीं हो सकते मार्क्स? काफ़ी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी कंप्यूटर के पेपर्स की, वो थोड़ा सा टफ आया था कंप्यूटर का जो पोर्शन था। कुछ लोग जो कंप्यूटर के बारे में सिर्फ ऊपरी नॉलेज रखते हैं वो कंप्यूटर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे जिसमें हमारा करंट अफेयर और जीके आता है दोनों, जो जीएस का पेपर होता है उसमें थोड़ा बहुत करंट अफेयर कुछ तो इजी थे, कुछ थोड़ा सा डीपली जाके पूछ लिए गए थे। जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इंडिया बुल्स है उसका विलय किसमें हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोग नॉलेज नहीं रखते क्योंकि विलय बहुत सारे बैंकों का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से थे इस वजह से। बाकी सारा पेपर ओल्ड मैथ्स का पेपर मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी था, मैथ्स का पेपर बहुत इजी था। अगर जो 10th तक की जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो मैथ्स और रीजनिंग तो वो कर ही सकता था। हाँ, रीजनिंग में नंबर सीरीज के थे, वो आसानी से नहीं सॉल्व हो रहे थे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी उसमें, बट पेपर ओवरऑल अच्छा पेपर था, अच्छा इजी पेपर था। नेक्स्ट हम ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी में यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो 97 से लेके जिसने 102 तक अटेम्प्ट किया सही की बात करें नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, तो उनके यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस हैं। एससी का यहाँ 92 से, यहाँ पे 5 आएगा, 50 नहीं है, 5, 92 से लेके 97 तक मार्क्स जा सकते हैं। एसटी के जा सकते हैं 85 से लेके, मतलब उसे 5 नंबर ऐड कर लो 90 तक। और गर्ल्स के जो जा सकते हैं, गर्ल्स के हमेशा जनरल से 2 से 5 नंबर तक ही कम होते हैं, तो अगर जनरल के अगर 100 है तो इनके 95 तक ही जाएंगे। यहाँ आपने स्कोर की बात देख सकते हो, तो आप जितना भी आपके इस क्वेश्चन है उसका डबल कर दो आपके स्कोर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर मुझे थोड़े से ऊपर नीचे या क्वेश्चन कितने आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, लगता है कि कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं एक अच्छे से फीडबैक लेके बहुत मतलब अच्छे से एक दोबारा से कट ऑफ की आपको वीडियो बना के दे दूँगी। बट यहाँ जो मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने मेरे जानने में नॉलेज में लोग थे और जिन्होंने चारों शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल तो ऑलमोस्ट सेम था चारों पेपर का, तो इस वजह से ये कट ऑफ जा सकती है। पेपर इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड बिल्कुल नहीं था, तो इसकी वजह से कट ऑफ इतनी जा सकती है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे, वो पेपर में मार्क्स काट के आ जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डावाडोल हो सकती है स्थिति। पर जिसने थोड़ी सी 1 महीने भी लग के तैयारी की है वो ये पेपर बहुत आराम से निकाल लेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्द ही नए कोर्सेज शुरू करने वाली हूँ अपने सक्सेसमन चैनल पर, तो उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए सक्सेसमन, जल्द ही नए कोर्स आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।